राजधानी देहरादून से खबर है, जहां आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी जनता दरबार लगाते हैं। प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। इस दौरान तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण किए जाते हैं। आज जिलाधिकारी में जनता दरबार में 107 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत संपर्क, बसों का संचालन व घरेलू वात विवाद से संबंधित है। इस दौरान अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई कर आम जनता को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी जो 107 के अराउंड शिकायत प्राप्त हुई थी, सो उसमें जैसा हमारा SOP बना हुआ है कि जो त्वरित निस्तारित की जा सकती हैं उस पर मौके पे ही हम विभागीय अधिकारियों से और जो हमारे साथ VC से जुड़े होते हैं, हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के अधिकारी, उनसे समाधान करने की प्रयास करते हैं। और जिसमें रवानगी करनी होती है जल्द एनफोर्समेंट के लिए, तो उसमें मौके पर ही टीम्स कंस्टिट्यूट करके कोशिश की जाती है कि उनको कार्रवाई के लिए बोल दिया जाए। और थर्डली कुछ हमारे प्रकरण होते हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है मौके पे रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स को चेक करते हुए वो आख्या देते हैं, तो ताकि हमारे अगले दिवस तक उस पर हम कोई डिसीजन ले सकें।